2.5 लाख ओ भाई 55,000 रुपए का बिका ही है। बहुत गुस्से में भाई, बहुत गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यार तो आज है चांद रात, अभी हम लोग जा रहे हैं बकरा मंडी जा रहे हैं। वहाँ से आने के बाद जो है फिर हम लोग जाएंगे टेलर के पास, जो कि मैंने करीबन 3-4 दिन से दीवी सलने के लिए, तो वो भी लेने जाऊंगा। और पहले तो भाई बकरा मंडी जा रहे हैं, जो कि नीचे अजान और मानी भाई वेट कर रहे हैं। भाई मेरा वो खतरनाक बुल जो थी जिसने टक्कर मारी थी, बोला व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखो, काफी मजा भी आया। आप लोगों को जो है सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देना। फटाफट से जाता हूं, नीचे भी जा रहा हूं, जो कि अजान वेट कर रहा है और मानी भाई भी वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं। रश हो गया हमारी बिल्डिंग में, तकरीबन कितने जानवर आ गए? 20-25। हाँ 25 आ गए। अच्छा ये वाला भी खुराड है वैसे जो है ना। ओए होए भाई बहुत गुस्से में, ये अभी भी आया क्या? अच्छा बहुत गुस्से में भाई, बहुत गुस्से में। तो उसके अलावा भी बकरे वगैरह भी और भी देख सकते हैं कितना रश लग गया वैसे। हाँ इसकी हाइट अच्छी, हाँ वैसे गोल गोल मटोरे वाला जानवर। एक और बाहर भी खड़ा हुआ है पार्किंग में, जो सारे बकरे वगैरह है। अच्छा ये कैसे लेटा हुआ है भाई? 25 का फुल रश चल रहा है हमारे फ्लैट में ना। इस तरह भाई ये वाले बकरे भी लेटे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं भाई। सो रहा है भाई, सो रहा है ये भाई। पूरी बिल्डिंग का छपाटा जानवर है ये। भाग गया था? भाग गया। अच्छा भाग गया था, गेट तक भाग गया था भाई, पहले बता रहे जब उतरा था। अभी भी देख, अभी वहाँ पर जो है ना ऐसा हो रहा है कि उतनी भाग देगा शायद। दोबारा अभी हम लोग मंडी जाते हैं, अभी हम लोग जो है यहाँ पर आए हैं, मानी भाई के पास आए हैं, क्योंकि उनको लेकर जो डायरेक्ट हम लोग जाएंगे बकरा मंडी, जो कि अजान भी साथ जाएगा और मानी भाई साथ जाएंगे जो पीछे है। और जैसे हम लोग वहाँ से आएंगे उसके बाद हम लोग ने फिर जाना टेलर के पास जाना, जो कि आज चांद रात है और आज नए नए हम लोगों को शनिवार का मिल रहा है, पर उससे पहले जो बकरा मंडी से होकर आ जाते हैं। अभी आ चुके हैं मंडी में, इस तरह बकरे वाली छपाटा है ये भाई, लड़ रहे हैं इधर। बहुत सारे गुम्बे भी हैं, मुंह ब्लैक है क्या? बाकी ऊपर नीचे से भी काला है ये। ये वाला मुंह ही ब्लैक दिख रहा है इसका, उठाओगे इसको? क्या रेट है इसके? गुम्बा ये गुम्बा है ना यार, माशाल्लाह माशाल्लाह यार। हो गया हो रस्सी रस्सी नहीं है। हां खुला हुआ है, खुला हुआ लग रहा था, खुला हुआ है, रस्सी बंधी भी है, बांधी गया बंधी भी, वो बंधी भी। क्या मांग रहे हो इसके वैसे? क्या हां 55 55,000 रुपए भाई इसके। लड़का है, लड़का ये? अबे लड़का भाई, लड़का कितने बोले भाई? भाई 50 फाइनल, 50 पे आ गए भाई, 50,000 पे आ गए दुम्बे के। 45 45 भी ज्यादा। मानी भाई ने ना एक बकरे के भाई, एक बकरे के 55,000 से 45 तक लिया, 10,000 रुपए गिरा दिए। अभी जब के लेने नहीं आए फिर भी 10,000 रुपए गिरा दिए। अबे कहाँ जा रहा है? अबे हाँ घूमने जा रहा था भाई, इसको कुर्बान नहीं होना कह रहा, ये नहीं चाहता अपना कटवा रहा है। ब्लैक वाला ये भाई, ये उठ रहा है भाई, आंडू बकरा ये। क्या रेट है इसके? 50,000 रुपए भाई, 50,000। इसके 30 भाई। मानी भाई हम तो रेट सोचे थे भाई 55,000 60,000 सोचे, लेकिन कम है, लेकिन कम है बकरों के। इस दफा जो है ना आपको ज्यादातर बकरी मिलेंगे, तो आप लोग अपने घर का फ्रिज भर लिएगा बकरी के गोश्त से, बकरी के अलावा कुछ नहीं आएगा। रेट भी कम है बकरों के, बकरों के रेट कम है भाई। हम लोग ना वहाँ नहीं गए, आयशा मंजिल, आयशा मंजिल पे किलो के हिसाब से दे रहे। अच्छा बकरा किलो के हिसाब से गए, तरफ आए सिर्फ फैमिली। अच्छा वो जो हम रोड पार जो ना पहले बांगड़ी होते हैं वो लोग लगाते हैं, उनके साथ तफरी भी आती है और आपको मतलब मजा आता है ना। साल वो लोग नहीं दिख रहे यहाँ पर, नहीं दिख रहे। अच्छा अच्छा इस जो मंडी है ना, ये वाली मंडी में तकरीबन 45-30-35 जो है ना, इस तरह के रेट में मिल रहा है मतलब बकरे। वैसे सस्ते हैं और भी कम करवा सकते हो अगर आप लेने आए हो भाई सच में। तो और 2-3 मंडियाँ हैं तो वहाँ पर भी चक्कर लगाते हैं, क्यों मानी भाई? सही है, चलो अभी वहाँ चलते हैं। अभी बकरा मंडी है पूरी बनी हुई, तो भाई इधर जाते हैं। मानी भाई हमारे साथ हैं, मानी भाई आगे आगे चश्मा लगा दिए इन्होंने, तो अभी हम लोग बकरा मंडी यहाँ से शुरू है, तो अब देखते हैं भाई क्या रेट वगैरह। क्या हुआ रेट है भाई इसके? हाँ जोड़ी जोड़ी है। हाँ 95 के दोनों 95 के भाई। क्या बना हुआ? मार्क्समैन, मार्क्समैन को शॉर्ट आउट दे दिया। आंडू बकरा, आंडू बकरा, आंडू बकरा सही पाला है भाई। हाइट भी देख सकते हैं काफी अच्छी है, फुल हाँ बॉस है ये, बॉस है बकरों का। हाँ वो क्या रेट है इसके? 75 का है भाई ये वाला। आंडू है ये? हाँ आंडू वाला है, उससे भी बड़ा है भाई वहाँ पर बकरा। मानी भाई क्या है? अबे इसका एक कान हाथ में पकड़ा हुआ था, मुझे भी लगा इसका एक कान नहीं है। अच्छा कान बड़े इसके, ये देखो भाई कान बड़े। अच्छा आगे नहीं लाओ इसको, पीछे पीछे से कान दिखाओ। हाँ पीछे से दिखाओ। कितने घुमाई है इसकी? कितने का है ये? 2.5 लाख। ओ भाई 2.5 लाख का भाई, तो वो नहीं होती बच्चियाँ वगैरह, ये भी तो घुमाई है इसकी, मेहनत मेहनत कारीगरी।
कितना बेचा? 55,000 रुपए का ये बेचा भाई, मुंबई वाला। ये लो भाई, रस्सी छोड़ दी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाई छोड़ दो। 55,000 रुपए का बिका है, 55,000 का सही है, अच्छा बिक गया। हाँ माशाल्लाह बिक गया। वैसे जो है ना ये है, यहाँ पर जो है ना काफी बड़ी बड़ी हाइट पर है, बहुत आंडू बकरे जितने भी ना सारे बड़ी बड़ी हाइट के जितने ही है। किसके इसके माने भाई, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये इससे क्या हो गया माने भाई, आपको देख के तो क्या हो गया, खतरे के इम्कान लग रहे मुझे इसमें से। ये देखो अबे दान डेंजरस जिम्बा भाई, अबे इसको क्या हो रहा है, वो क्या रहा है, क्या मतलब ये जान अभी अभी आया है शायद ना भाई, अभी अभी आया है ना, अभी तक ऐसे ही है। अबे क्या हुआ यार, मेरा जो है ना 45 का मतलब 45 का, इतना सा 45 का, और हम लोग सामने वाली मंडी है वहाँ पर कितने का दिखाया था भाई, 45 का बड़ा था वो, बड़ा था वो 50 में आपने देखा, 50 में भी दूंगा 45 का, जिस 75 में आंडू लंबा वाला। हाँ तो ये 45 में इतना था बकरा छोटा था, इनके तो क्या बंदा रेट कम करवाए, उनके तो करवाते हाँ करवाते तो मजा भी आता, मतलब बड़े बड़े बकरे थे इनके तो कोई रेट कम नहीं। माई भाई हमें फिर से लेकर आ गए यहाँ पर, और जो कि मतलब वो जानवर खड़े जिसे सिंह मारे थे धान को, फिर से लेकर आ गए मई मानी भाई। आज इधर शुरू हो गए लोग, ये इधर लड़ रहे हैं भाई, आज ये लड़ रहे हैं भाई इधर। अच्छा है छोटी मंडी में था, वो छोटा था। ये जवान लग रहा है, ये जवान लग रहा है, वो बूढ़ा था, खूबसूरत है जो बात है माशाल्लाह ना, इसकी मूछें भी निकली है भाई, मूछें भी निकली है। अभी हम लोग जो बकरा मंडी से जो डायरेक्ट जो इधर ही आ गए थे, तो भाई कितने का तुमने लिया? 187 का लिया भाई। इसने जो ना मतलब बड़ा गोलू मोलू जानवर है भाई, बड़ा हेल्दी जानवर है जो ना। हाँ बबलू है, बबलू है। मानी भाई क्या कर रहे हो आप, ये सब सब जो है ना गुस्से में, अभी नहीं है। अच्छा जो कोने में खड़ा है ना वहाँ पे चलते हैं उसके बाद। ये नहीं आगे 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 ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इसका आशिक हुआ है भाई। ओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। सुन वैसे अभी हम लोग जो ना अंदर थे, तो जानवर वगैरह इनका मानवी के साथ ही था, मजा आया काफी ना अंदर, काफी मजा आया मैं। बाकी हनान भाई बाहर आ गए थे, तो कैसे हो, सुबह मिलोगे नहीं मिलोगे? अभी चलो ईद हमारा पता नहीं, ईदी भी लूंगा, ईदी ईदी लो गोश्त देंगे, गोश्त वाली ईद है, ये गोश्त वाली, पैसे लेंगे। A few moments later. अभी सीधे से मैं जा रहा हूँ रवि के साथ और अजान के साथ जा रहा हूँ भाई ठेले के पास, जो कि मानी भाई नहीं जा रहे, वो बिजी हो गए भाई। मैं जाके लेकर आया तो काफी टाइम हो गया और सुबह पहनना भी है, तो फटाफट से जाते हैं ठेले के पास। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमें रवि भाई लेकर आए हैं, और जो हमारे सूट जो है भाई आ गए फाइनली सलवार के में जा रहे भाई। तो बस ये क्या भाई फटाफट से इसको लेते हैं, इतनी टेंशन थी क्योंकि अभी सुबह पहनी है हमें इसकी नमाज पे। अभी ये क्या बस अब इसको जो है घर पे जाके ही खोलेंगे, और पिछली ईद पे भी वही मामू से सिलवाए थे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो 3 से 4 दिन में इन्होंने हमें सिल के दिए तकरीबन, हमारे 4 तो मेरे थे, बाकी 2 मेरे दोस्त थे, 2 दिन से वैसे रेडी पड़े हुए थे, मतलब जल्दी सिल गए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, बड़े मतलब काम के डे रहे भाई। मामू के साथ इन लोगों ने भी जो है सिले हैं, मतलब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और आप सबका भी भाई, इनका भी हाथ है भाई, मामू के अलावा इन लोगों का भी बड़ा हाथ है। बारात जा रही है भाई, बकरे भगा दिए। अभी हम लोग जो है मानी भाई के पास ही आ गए वापस। यार आप गए नहीं आ रहे यार, सॉरी यार, आप बिजी बहुत हैं मुझे पता है, मैं खुद लेकर आ गया इनके लिए। जो बात है थैंक यू भाई, बस मैं आपके लिए दिल की गहराइयों से आपको पप्पी इस तरफ भी, आप इतना हमें एंटरटेन करते हो, हम आपको इतना सा इतना सा तो करते हैं। थैंक यू थैंक यू। चल नहीं रहा था, इसको गोद में उठा लिया भाई ने, सही है। वो हो गया बकरा भाई, ये रॉकेट जा रहा है भाई। अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और इस वक्त तकरीबन 3:30-4 बज रहे हैं, और बस 2-3 घंटे बाद इसकी नमाज पढ़नी है, जो कि चेक करता है भाई अपनी ये जो ब्लैक सलवार कमीज का। अभी मैं सलवार कर बस जो है मतलब लेकर आया हूँ घर पे, जो कि पिछले साल ये हुआ था भाई, उसके बाद उल्टे सीधे थे, जो कि मैं चांद रात को तकरीबन नमाज से 3 से 4 घंटे पहले बस देखा था कि बाजू उल्टे थे, दोबारा इसलिए चेक कर रहा था कि कोई इसमें मसला ना हो। दोबारा काफी अच्छी लग रही, सुबह पहनेंगे इंशाल्लाह, बस 2-3 घंटे बाद दोबारा ब्लॉग स्टार्ट करना है, बस ब्लॉग को एडिट भी करना चांद रात वाला ब्लॉग को, बाकी ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं सुबह, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से ईद वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।